सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवालिया कंस्ट्रक्शन पर हमला कर गोली चलाने वाला गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के सातीर अपराधी अरुण सिन्हा को पलामू पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के गुरुहरी से धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक एप्पल कंपनी का मोबाइल व दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M32 मोबाइल बरामद की है। आपको बता दें कि बीते 27 जून को पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चप्परवार मोड़ के समीप निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की नियत से गोली चलाई थी, जिससे शिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार के पैर में गोली लगी थी। घटना के बाद पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छतरपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने गुप्तचर के माध्यम से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गुर्गा को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गुरुहरी से धर दबोचा। प्रेस वार्ता कर पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने बताया कि अपराधी अरुण सिन्हा कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा का भाई है और सुजीत सिन्हा का काम को देखता है और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट भी करता है। प्रेस वार्ता के दौरान IPS सह SDPO ऋषभ गर्ग, पिपरा थाना प्रभारी अमित सिंह सहित अन्य जवान उपस्थित थे। पलामू जिले में शिवालिया कंस्ट्रक्शन के एक कर्मी पर फायरिंग किया गया था और बाद में लगा था कि ये रंगदारी के उद्देश्य से किया गया है। उसके अनुसंधान के क्रम में पलामू पुलिस ने रिक्की खान को गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई सूत्र मिले थे, जिसमें पता चला था सुजीत सिन्हा का जो भाई है अरुण सिन्हा, वह जो इल्लीगल तरीके से कमाए गए पैसे को इन्वेस्ट करता है और जो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको देखता है और क्राइम्स में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। अरुण सिन्हा को पलामू पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है और उसके मोबाइल से हम लोग और भी फर्दर क्लू मिले हैं कि रियल इस्टेट में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम लोग उस पर आगे अनुसंधान करेंगे और अग्रतर कार्रवाई करेंगे। क्या सर, ये रियल इस्टेट करता है इन्वेस्ट, तो ये झारखंड में करता है या अन्य राज्यों में भी करता है? अभी जो सूत्र मिले हैं वो झारखंड में दिखे हैं और आगे के भी हम लोग जो है जो मोबाइल्स मिले हैं उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आगे जो भी सूत्र मिलेगा हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या पलामू के व्यवसायी भी लोग उसके समर्थन में? अभी इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर करना अनुसंधान की दृष्टि से उचित नहीं है।